खास तो बहुत कुछ है और सबसे ज़्यादा खास ये है कि अब हम लोग जोड़े में हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में। पिछले साल एंगेजमेंट हुआ था, इस साल शादी हो चुकी है। और ऐसे तो जब से पापा आए हैं उन्होंने हर साल मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल किया। ये चौथा साल है मेरा और मैंने तरक्की ही किया है। अब तो ज़्यादा की ज़्यादा तरक्की होगी शादी होगी तो हर साल मेरे लिए पापा बहुत स्पेशल होता है। शादी के बाद ये आप लोगों का पहला साल है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस तरह की तैयारियाँ की? जैसे मैंने आपसे पूछा, एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लगभग एक महीने से हम लोग तैयारी करते दोनों मिल के कि अच्छे से हम लोग पापा को ला सके घर और पूरी अच्छी तरीके से इनको मतलब पालन पोषण जो होता है, बोलते हैं ना कि पापा बच्चे की तरह हैं, तो उनको पालना पोसना जब तक है हमारे पास तब तक अच्छे से रहें। क्या क्या भोग लगाए हैं आपने? कुछ आपने अपने हाथों से कुछ बनाया पापा के लिए? एक्चुअली इस साल मुझे सच बताऊँ तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, इसलिए नहीं क्योंकि पापा को मोदक बहुत पसंद होता है। मराठी में उखिड़ से मोदक बोलते हैं, हाँ। चावल के आटे का मोदक, तो वो उनको बहुत पसंद है। पिछले साल मैंने मन्नत मांगा था कि मैं प्रसाद वही चढ़ाऊँगी, जो भी आएंगे वो सबको प्रसाद वही खिलाऊँगी, क्योंकि बॉम्बे में बहुत मुश्किल से मिलता है वो और घर में बनाना बहुत कठिन होता है। 1.5 दिन के गणपति में हम लोग को इनकी बहुत सेवा करनी पड़ती है, इनको अकेला नहीं छोड़ना पड़ता, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो हम दोनों की जिम्मेदारी ये सब करना। तो खुद से तो इस साल मैंने कुछ नहीं बनाया, हाँ उनको मोदक खिलाया तो वो खुश है, बोले हाँ ठीक है मैं खुश हूँ और कुछ नहीं बनाओगे चलेगा। तो हर बार हम लोग फिर इनको खाना, सुबह बच्चे हैं ना, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर शाम को उनको मिठाई देनी पड़ती, फिर रात को फिर खाना देना। तो मैंने इनको बोला हर साल पूरी भाजी खिलाते, मेरे पापा इस बार कुछ अलग खिलाते, तो इस बार हम लोगों ने उनको वेज पुलाव और काबुली चने की सब्जी और खीर बनाया है मीठा, तो वो सब खिलाया। बाकी लड्डू वो तो अलग से है, पापा खाते रहते हैं ना लड्डू। राइट। इसके अलावा इको फ्रेंडली गणपति को लेके बहुत सारी बातें हो रही है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब सीमेंट के गणपति बनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? इको फ्रेंडली गणपति लोगों को क्यों लाने चाहिए और आपने भी इस साल इको फ्रेंडली? मैंने इसलिए लाया, मैं सच बताऊँ इसका क्रेडिट मैं इनको देना चाहूँगी और शायद हम लोगों से लोग सीखेंगे भी कि इको फ्रेंडली ही लाना चाहिए गणपति। इन्होंने मुझे कहा कि आप बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, तो लोग बोलते हैं मैं ज़्यादा बोलती हूँ। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है हमारे देश में, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग इनिशिएट नहीं करेंगे तो बाकी जो हमारे नॉर्मल लोग हैं वो कैसे समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर क्या फ़ायदा क्या है। ठीक है, इससे गंदगी जो हमारी फैल रही है वो उसको कम करना है और जितना ज़्यादा हो सके इको गणपति ही लाना चाहिए घर पर। राइट। जैसे सर ने कहा कि सेलिब्रिटी अगर बात करता है तो बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच, हाँ। होती है, कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में कि सेलिब्रिटीज़ को भी इस बारे में अपील करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर नॉर्मल लोग जो हैं वो फिर हम लोग भी, तो अगर मैं खुद बोलूँ तो मैं हिंदी के जो सेलिब्रिटी हैं हमारे जो मेरे फेवरेट हैं, अगर हम कुछ अलग करें और वो कुछ अलग करते तो हम उनको देख के सीखते हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं कुछ नहीं तो हमारे यूपी बिहार के लोग, जो आधे से ज़्यादा मैं बोलती हूँ बम्बई यूपी बिहार वालों की है और गणपति बहुत मानते भी हैं, तो कुछ नहीं तो वो लोग तो हमसे सीखेंगे अगर वो हमें मानते हैं और अच्छी चीज़ है। और मैं तो बोलूँगी सारे सेलिब्रिटी को ये अपील करना चाहिए कि आप इको गणपति ही लाएं, तो हम लोगों को देखकर शायद कुछ लोग ये सीख जाए। राइट। पापा जो है 1 साल के बाद आए और कल शायद विदा भी हो जाएंगे, कितना मिस करेंगे आप लोग, क्योंकि इतनी सारी तैयारी की, इतना डेकोरेशन किया और पापा कल जा भी रहे। यही तो है हमारे दिल में इनके लिए प्यार कि 1.5 दिन के लिए है, लेकिन ताम झाम में हम लोग कोई कमी नहीं रखते इनके लिए। एक होता है ना कि बेटा बाहर गया है और वो 1 साल बाद लौट रहा है, तो वो फीलिंग होती है कि 1 साल बाद आने वाले हैं पापा, आने वाले हैं। तो वो 1.5 दिन के होते हैं लेकिन हम लोग 1 दिन पहले उनको बुला लेते हैं, पापा आ जाओ बैठ जाओ। तो होता है ना 1 दिन पहले रात में लेकर आते हैं, फिर डेकोरेशन उसके ऊपर उसके हिसाब से करते हैं। और जाने वाले दिन ये होता है कि 1.5 दिन के गणपति होते हैं तो एक माहौल होता है ना कि घर से बच्चा जा रहा है, सब रोते रहते हैं। कभी आप वो देखना कि जिसका दिल से लगाव होता है ना, ये ऐसे यादें छोड़ के जाते हैं ना कि 1.5 दिन में हम लोगों को खुद के लिए मांगने के लिए वक्त नहीं होता है। लोग आते जाते रहते हैं, जो रिश्तेदार हैं सब आते दर्शन करते हैं, इनका ख्याल रखना, हर एक चीज़ रखना, खुद के मांगने के लिए वो वैसे तो देते ही रहते, दे ही रहे हैं, इसलिए हम लोग मांगते भी नहीं है, तो हम लोग भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। और इसीलिए वो जब जाने लगते हैं ना तो जब उनको देखो तो उनको भी, हम लोगों को फील होता है कि वो भी रो रहे हैं, कि वो भी नहीं जाना चाहते और हम लोग भी रोते हैं, पर क्या करें ये रूल है और ये सब चलता आ रहा है तो वही करना ही है। ओके, आखिर में एक बार हो जाए गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा। मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ नहीं, बस बप्पा का सेवा कर रहे हैं, चालू है सेवा करना बप्पा का। 1.5 दिन के गणपति हैं हमारे और स्पेशल भी है इस साल, क्योंकि हम लोगों की शादी हुई है और शादी वादी ये पहले गणपति हमारे, ऐसे 4था साल है ये। और बस यही स्पेशल है कि बस बप्पा की पूजा पाठ में हम लोग लगे हुए हैं। तो बप्पा के आगमन पे और क्या विशेष होने वाला है, क्योंकि बप्पा का आगमन पूरे मुंबई में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आप भी उसमें सेलिब्रेट कर रही हैं। तो सीमा सिंह का क्या कुछ खास होने वाला है ये सेलिब्रेशन बप्पा का? खास तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे लिए बप्पा इतने ज़्यादा मायने रखते हैं कि इनकी तैयारी हर साल हम लोग, मतलब जब आते हैं बप्पा तो तैयारी में लगे रहते हैं और कोशिश ये रहती है कि किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है, लोग आते हैं बोलते हैं वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन हम जानते हैं कि हम अरे ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तो हमारी तरफ से कभी वो चीज़ पूरी नहीं होती है। हमें लगता है कि हम जितना करें बप्पा के लिए तैयारियाँ उतनी कम है। हाँ, इस बार ये है कि मैंने पिछले साल माना भी था कि वो मराठी में बोलते उकड़ी से मोदक, चावल के आटे का मोदक, तो वो बप्पा का फेवरेट होता है। जैसे हम सिद्धि विनायक भी जाते हैं तो वही चढ़ाते हैं बप्पा को, तो मैंने ये माना था कि इस साल मैं प्रसाद में वही रखूंगी। तो मैंने इस साल वही उकड़ी से मोदक रखी हूँ मैंने प्रसाद में स्पेशली बप्पा के लिए। ओके, सौरभ भाई आप क्या कहना चाहोगे? बप्पा का आगमन हुआ है और कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबको हैप्पी गणेश पूजा की बधाई दूँगा, सब लोग अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं और बाकी बप्पा का आशीर्वाद है, सब अच्छे से चल रहा है और ऐसा आशीर्वाद बना रहे, सब पे बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। ये साल कुछ आपके लिए खास है, महत्वपूर्ण है? कोशिश है हमारी, हम लोग कुछ बड़ा करने की कोशिश में है। बप्पा का आगमन हुआ है, फिर सीमा सिंह का आगमन हुआ है आपके जीवन में। नहीं, बप्पा का आशीर्वाद है कि सीमा मुझे मिली है, उसके लिए तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है जी। और रही कि हाँ, हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं बप्पा के आशीर्वाद से, देखते हैं हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। सीमा, आपके जीवन में कितना बदलाव आया है बप्पा का? ये मतलब अब एक बहुत खास बदलाव मैं बताने जाऊंगी तो एक किताब भर जाएगी कि ये 4था साल है बप्पा का जी। और मुझे फर्स्ट ईयर आज भी याद है कि बप्पा जब आए थे फर्स्ट टाइम घर, उसके बाद से अभी तक मेरी लाइफ चेंज ही होती गई है। 2 साल जब कंप्लीट हुआ था, तीसरे साल में पापा ने मेरा एंगेजमेंट करा दिया, 4थे साल में देखो शादी करके बिठा दी, 5वें साल में पता नहीं क्या तो उस बीच की जो कहानियां है ना, मैं ऐसी चढ़ती गई हूँ ऊपर। तो मैं मतलब बोलते ना आँख बंद करके पापा पे विश्वास करती हूँ कि मुझे मालूम है कि मैं ये मांगूंगी तो दे देंगे, ये मांगे तो। अब इस साल से मांगना भी बंद हो गया है कि बस इतना है कि पापा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम लोगों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। या हम कह सकते हैं कि विशेष आशीर्वाद है आपका, आपके ऊपर बप्पा का। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि एक कनेक्शन होता है ना, बप्पा एक ऐसे भगवान है जो दोस्त हैं, तो वो मेरे लिए दोस्त है। मैं हम लोग बचपन से इनकी पूजा करते आए हैं। हम जहाँ रहते थे वहाँ पर कोई 11 दिन के गणपति रखते थे, उनका मतलब 25 साल कंप्लीट हुआ है, किसी का 20 साल कंप्लीट हुआ है। तो ऐसे गणपति में हम छोटे छोटे बच्चे सारे बैठते थे, परिवार तो जाकर सो जाता था, लेकिन वहाँ जो एरिया के बच्चे होते थे ना, सब इकट्ठा होते थे, सिर्फ वो उकड़ी से मोदक बोलते ना वो खाने के लिए। हम लोग ये खाने के लिए रात भर जगे रहते थे। तो उस दौरान हम देखते थे उनकी पूजा पाठ और बप्पा से ऐसी बात करते थे, बप्पा जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं आपको बुलाऊंगी, आप आना घर, ऐसे बोलते थे हम लोग। पर बोलते हैं कि वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिनके घर ये पधारते हैं, और लोग मानते हैं 3 साल, 5 साल, 11 साल। मैं जब फर्स्ट टाइम लेकर आई थी तो मैंने एक ही बात बोला था बप्पा से कि बप्पा मैं उस लायक रही, मैं तब तक आप मतलब जब तक आप चाहोगे तब तक घर में स्वागत है आपका। तो ये बप्पा की मर्जी है और 4 साल में तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ दिया। बस इतना बोलूँगी बप्पा इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सीमा, अगर बप्पा की बात हो रही है तो हमें ये भी जानना चाहेंगे कि बप्पा की खास 5 खास बातें हैं। एक तो उनकी लंबी सूंड है, दूसरी उनके बड़े कान है, तीसरा उनका बड़ा पेट है और चौथा उनका छोटी आंखें हैं। इन 5 खास बातों में से एक कोई अगर बात आपको शेयर करना हो तो क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ आपको कि पेट लंबा क्यों है, गणपति का क्यों होता है, आखिर क्या है। पता है कि वो सारी बातें अपने हजम कर ले जाते हैं। हाँ, आप नहीं हजम कर पाते। बताएं खास जी। मुझे भी बस यही बात पता है कि उनका पेट इसलिए इतना बड़ा है कि वो सारी बातें यहाँ सुनते हैं और अपने पेट में हजम कर दो, कभी किसी से बाहर शेयर नहीं करते। तो मुझे भी यही बात पता है इनके बारे में, बप्पा के बारे में। ओके सौरभ, आपको क्या कुछ बप्पा के बारे में, अगर घर पे आगमन हुआ है तो कुछ जानकारी भी रखी होगी आपने। खास बातें क्या है बप्पा की, कैसे पूजा करते हैं, कैसे लाते हैं, कैसे विसर्जन की पद्धति क्या है, इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं बिहारी हूँ, ठीक है। ये यहाँ रही है सब कुछ, जितना भी मतलब पूजा करने के तौर तरीके जो भी है, मैंने इससे ही कुछ सीखा है, ठीक है। तो मुझसे अच्छा तो यही बता सकते हैं आपको कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं, क्या करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो इसने बोला ना अभी कि बाबा पेट में बातें बचाते हैं, हाँ वो भी बचाते हैं और ये भी बचाती है। इसलिए शायद दोनों का पेट थोड़ा अच्छा हो रहा है। दोनों बप्पा भी खाते हैं। आंखें छोटी है क्योंकि जब दूर दृष्टि होती है तो आदमी ऐसे आंख खोल के नहीं देखता है, आंख थोड़ी सी छोटी करके देखता है। तो सीमा में भी वही बात है, आंख इनकी थोड़ी छोटी है। क्या कहेंगे उसके बाद? वो मेरे प्रति है, मेरे बारे में दूर से देख रहे कि क्या कर रहे हैं। दूरदृष्टि के बारे में क्या कहेंगे सीमा? दूरदृष्टि जो आपने विजन किया था, अचीव किया, और क्या अचीव करने वाली हैं उसके बारे में? मुझे जो अचीव करना था वो मैं कर चुकी हूँ। ओके ओके, मेरे लिए फाइनली यही। okay, okay. और अब जो है वो इनसे है। अब मैं जो भी पाना चाहती हूँ वो इनके जरिए, इनका नाम, इनकी इज्जत, मैं बस पापा से यही मांगती हूँ कि अब इनके जरिए मेरा नाम है, मेरा जो था वो तो हो गया है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी इज्जत बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये मेंटेन रहे और ये इसी में और आगे जाए, क्योंकि अब मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के जरिए हूँ। मेंटेनेंस काम में रहे या फिटनेस में? नहीं, दोनों में जरूरी है। हाँ, ये दोनों फिट रहेंगे तभी काम अच्छा हो सकता है। मूवी भी कर रहे हैं, हिंदी फिल्म, थोड़ा बताइए, आजकल बहुत खबर आ रही है। नहीं 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 बताना। नहीं नहीं, अभी हमने फोटो देखा फेसबुक पे, आप बताइए। हाँ, हम लोगों की प्लान तो चल रही है एक मूवी की। देखिए जब ना सब कंप्लीट हो जाए ना तब बताना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी है, मैंने मेरे करियर में मैंने हमेशा ऐसा किया है कि जब कुछ काम हो गया है ना तब मैंने बताया। एक होता है ना कि बोल दिया, अरे कहाँ कुछ कर, ये होता है। मेरा हमेशा रहा, मैंने गोविंदा जी के साथ मीटिंग किया, उनके साथ मैंने रिहर्सल किया, डेली हम लोगों का वो कॉस्ट्यूम ये होगा वो होगा, एक महीने तक बात सब होता रहा। लेकिन मैंने कब सबको बताया, जिस दिन मैंने गाना शूट कर लिया तो वो खुशी अलग थी। सब लोग वाह सीमा जी बहुत अच्छा लगा ये वो। अब होता है ना चल रहा है, पता नहीं किए नहीं किए, ये चीजें होती है। तो मेरा हमेशा बिलीव ये रहा ना कि करो तो ज्यादा अपने लोगों को खुशी होती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सीमा सिंह लौटेंगी या नहीं? सौरभ जी आप बता दीजिए, वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तो बेचारे मुझे बोलते हैं क्या करना है कि नहीं करना है, नहीं नहीं नहीं। मेरी कोई रोक टोक नहीं है, बिंदास, अगर मन है तो आगे भी कर सकती है, नहीं मन है तो आगे जैसे इसकी लाइफ इसको बिताने की इच्छा। फिलहाल तो मैं जो करना चाह रहा हूँ यही है कि एज अ प्रोड्यूसर इसको किसी भी तरीके से साथ में खड़ा कर सकूँ। मतलब बैठ के खाने में जो मजा है ना वो काम करके खाने में नहीं। लेकिन आपने भी बहुत लंबा सफर तय किया है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बैठ के खाने में मजा है? हाँ, तो मैं वही, लोग मुझे पूछते हैं कि आपने क्यों काम छोड़ा। मैं एक्चुअली सच में ये बताना चाहूंगी कि मैंने 11 साल रील पे काम किया है मैंने, तो अब रियल जिंदगी जी रही हूँ। तो यार मुझे शांति से 1-2 साल तो जीने दो। अच्छा, लोग पूछने लगे थे जब काम करेंगे नहीं, अभी करेंगे कि नहीं, अभी अरे शादी को टाइम ही कितना हुआ, लोग अचानक पूछना शुरू कर दिए कि काम करेंगे कि नहीं। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप अभी वैकेशन मना रही हैं शादी? यस, अपनी रियल जिंदगी में जी रही हूँ। जो मैं बोलती ना, मैंने काम के चक्कर में घूमना फिरना बंद कर दिया था, सिर्फ काम काम काम। सुबह की फ्लाइट पकड़ी, रात को बना कि सुबह फ्लाइट रिटर्न, फिर दोपहर में बैठी, फिर शाम की फ्लाइट पकड़ी, फिर शूटिंग पे चली गई। मैं सिर्फ रक्षाबंधन और दीपावली लोगों को बोलती थी और एक गणपति की। मैं ये 4 दिन साल में ना काम नहीं करती क्योंकि ना मैं घर जाती हूँ और गणपति में यहाँ 1.5 दिन 2 दिन का रहता है, बाकी दिन सिर्फ काम ही काम करती थी। तो अब अब पता चला कि रियल जिंदगी क्या होती है वो जी रही हूँ मैं अपने परिवार के साथ, अपने मायके के साथ, अपने ससुराल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं अपनी रियल जिंदगी जी रही हूँ। सौरभ जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मतलब सीमा जी पहले इंडस्ट्री में थी, रियल लाइफ जी रहे थे, अब रियल लाइफ में आपके साथ कैसा चल रहा है? आई थिंक रियल लाइफ ज़्यादा अच्छा है। कुछ बताना चाहेंगे उनकी खूबी? एक दो हो तो शायद मैं गिना भी देता, बट एक एक छोटी छोटी बात कैसे गिना सकता है जो आपको पसंद है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, कभी भी कुछ भी हो, खाना हो, कुछ भी हो, जो कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सेलिब्रिटी कि वो आपके लिए कभी खाना बना दे या फिर खाना खिलाने के लिए मतलब फोन करे कि हाँ अरे कहाँ रहे। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। आने वाले सर एक साल में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, कहाँ क्या अचीवमेंट आप पाना चाह रहे हैं? देखता हूँ, मैं कोशिश तो हूँ कि एक अच्छे पॉलिटिशियन के रूप में नजर आऊँ, और बाकी बप्पा है कहाँ लेके जाते हैं। और बॉलीवुड में जो आपकी एंट्री है उसको किस रूप में देख रहे हैं बतौर निर्माता? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छी मूवी बनाने की, सीमा साथ में है, हम दोनों मिल के कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी और सच्ची घटना के ऊपर ही मूवी बन, जब भी बनाऊँ मैं, आगे भी बनाऊँ इसके बाद भी, ठीक है, तो एक सच्ची घटना पे ही आधारित हो ताकि मतलब लोगों को कुछ उससे सीख मिल सके, ठीक है। तो अब बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ। बात कहाँ तक पहुँची सर? ये बात तो चल रही लेकिन पहुँची कहाँ तक है आप ही बता दो। ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस शूट डेट मैंने अनाउंस नहीं किया है अभी, जो कि होप सून मैं कर ही दूंगा अभी, आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स। और संभावित मतलब आर्टिस्ट ऐसे आप शॉर्ट में बोल दीजिए ना कि बहुत जल्दी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब संभावित में आई थिंक लगभग मैं सब बातें खोल दूंगा तो कुछ सस्पेंस नहीं रह जाएगा लोगों के लिए। तो हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये जो एक एक बोल रहे सच है कि एक अच्छा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग। फिल्म में मनोज बाजपेयी को साइन किया मतलब ये सच्चाई है फिल्म में? नहीं, अभी मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। जब तक सब कुछ प्रॉपर हो के मैं शूट पे ना चला जाऊँ, या मतलब उसके पहले शूट पे जाने से पहले मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा आप सभी लोगों को, अभी से निमंत्रण दे दे रहा हूँ, जब करूँगा तो तब तो दे दूँगा ही, बट मैं उसी दिन जब मैं प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मूवी के लिए तो मैं पूरी बातें बताऊंगा कि हाँ किस चीज़ के ऊपर मूवी है। हाँ मैं इतनी बात अभी बता सकता हूँ कि सच्ची घटना है जो कि हमारे बिहार में घटी है, उसके ऊपर ही एक मूवी है। चलते लौट के आते हैं गणपति बप्पा की याद में। और सीमा आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत सारे सेलिब्रिटी के घर पे गणपति आई हुई है, कोई पहुंच पा रहा है, कोई नहीं पहुंच पा रहा है, आपके यहाँ किसका किसका आगमन हुआ है, होने वाला है क्या कुछ? सुबह से तो हम लोगों को बिल्कुल फुर्सत मिली नहीं है, और मुझे मैं शाम को एक्चुअली सोचती हूँ कि ये आए थे कि नहीं आए थे, अच्छा ये और वो अचानक कहीं पे फोटो मैं देख लेती हूँ फेसबुक या इंस्टा पे, अच्छा ये आके गए क्या? मुझे ऐसा होता है, क्यों होता है बताओ? इनकी तैयारी में एक्चुअली हम लोग लग जाते हैं 1 महीना पहले से, और हम लोग मेरे ख्याल से हम लोग कल से सोए नहीं है, और अब जब तक पापा है तुम 2 घंटा सोए हो, ठीक है, मैं जगा रहा हूँ, और जब तक पापा है तब तक शायद हम लोग 2 घंटे ही सोएंगे, तो इनकी सेवा में हमारा पूरा ध्यान, हम लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ पापा की सेवा में लगा रहता है। ऐसे काफी लोग आए हैं और अभी आने भी वाले हैं, तो 1.5 दिन के गणपति में ही होता है। तो आप लोग देख रहे बारिश भी हो रही है लेकिन फिर भी लोग पहुंचते हैं, और मेरे लिए खुशी की बात ये होती है कि पहले साल जो गणपति में आए थे वो ये 4था साल है कि वो लोग लगातार आ ही रहे हैं यहाँ पर, मतलब इतनी श्रद्धा है उनकी बप्पा से जुड़ी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले साल मन्नत मांगा था और दूसरे साल आकर मन्नत पूरी भी किया था बप्पा के साथ। ऐसे तो मैं भी बहुत सारी मन्नतें मांगती रहती तो पूरी होती रहती है, तो मैं भी सबको बोलती कुछ मांगना तो मांग लो, तो ऐसा होता है। तो वो बरोबर लगा हुआ है कि हाँ ये लोग तो आने वाले हैं, तो काफ़ी लोग अभी आकर गए, और अभी शाम होने वाली है तो अभी काफ़ी लोग जैसे 6-7 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं आना, होता क्या है कि कोई दूर होता है तो वो वहाँ से आते आते यहाँ पर शाम हो जाती, तो सोचते ना एक साथ सबके दर्शन यहाँ से करते हुए जाए। तो बप्पा को खाना बहुत पसंद है, 56 भोग क्या क्या बना है आज? छप्पन भोग। और आपने क्या बनाया? मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि बच्चे को जो खाना खिलाओ खुशी से, वो पापा श्रद्धा देखते हैं कि क्या खिला रहे हैं। जैसे मैं हर बार उनको सुबह, हम लोग बोलते हैं नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, तो सुबह में उनको मिठाई खिलाते हैं, दोपहर का फिर खाना होता है, फिर शाम को भी अभी मिठाई उनको खिलाया जाएगा, फिर रात का खाना। तो जो खाना होता है वो हम लोग कभी कभी पूरी भाजी, खीर ऐसे करते थे। तो इस साल मैंने बोला कि पापा थोड़ा सा अलग खाओ, तो इनको इस साल हम लोगों ने पुलाव खिलाया है अभी दोपहर में खाने में, वेज पुलाव और काबुली चने की सब्जी और खीर। बाकी इनका फेवरेट चावल के आटे का मोदक है और बाकी मिठाई है। मिठाई तो बप्पा तो लड्डू है ना, लड्डू बहुत खाते हैं। कितने दिन का है गणपति? डेढ़ दिन का। कल विसर्जन होगा। हाँ, ओके, चलिए, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।